इन दोनों के नाते को हमने क्या उपाधि देनी चाहिए। लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछता है, क्या ऐसी औरत हमारे गांव में रहने लायक है क्या? अरे कोई इस बच्ची को ही पूछो, तेरा बाप कौन है? मैं बताऊंगी ना कि इसका बाप कौन है। तू जानना चाहता है ना इस कूल सी प्यारी सी बच्ची के बाप का नाम क्या है? मैं बताती हूं तुझे ना, इस बच्ची के बाप का नाम है ज़ई जोशी। सही जोशी? ए मास्टर नहीं, बाप का नाम ऐसा होता है क्या? ए बबनिया, तेरे बाप का नाम क्या है रे? मतलब आदमी के जैसा है कि औरत के जैसा है? ए मास्टर नहीं, मेरे को बता ना, अगर बाप का नाम सही जोशी है तो माँ का नाम क्या है? विनोद? नहीं, उसकी माँ का नाम भी सही जोशी है। और बड़ा माइक पकड़कर सवाल पूछ रहा है ना, चल मेरे सवाल का जवाब दे। बाप के नाम में ऐसा क्या खास होता है जो एक बच्चे की पहचान सिर्फ उसी के नाम से हो सकती है? मेरी बच्ची को मैंने पैदा किया, मैं पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ, हर वो फर्ज निभा रही हूँ, हर वो काम कर रही हूँ जो एक बाप का होता है। तो मेरी बच्ची के बाप का नाम सही जोशी, मेरी बच्ची के माँ का नाम सई जोशी। ये बात अपनी मगज में डाल। और तू यहाँ क्या खड़ा खड़ा मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है? तू खुद क्या है? तुझे पता है तू यहाँ तक बेशर्मी के नाले में डूबा हुआ है? तू निहायती बेशर्म आदमी और लोगों को डराने वाला गुंडा है। अरे बता रहे लोगों को कि तू मेरे घर में जबरदस्ती घुस के आया था, मुझे घुस देने की कोशिश की, और जब मैंने तेरे प्रस्ताव को और तुझे लात मार के घर से निकाल दिया तो इसने मुझे धमकी दी। अस्पताल बनाना चाहती हूँ मैं गांव वालों के लिए एक जमीन पर, इसने मुझे धमकी दी कि मैं उससे पीछे हट जाऊं, क्योंकि ये उसी जमीन पर अपनी अय्याशी के लिए रिसोर्ट बनाने के सपने देख रहा है। और अब यहाँ आया है मुझे डरा के, धमका के, बदनाम करने की कोशिश कर अपना काम निकलवाने। ए नाई बाबा नाई बरगा, आई को ना कहीं जगह है, झूठ बोल रही है ये? झूठ बोल रही हूँ तो ठीक है, इन औरतों से पूछ लेते हैं जो मेरे घर पर आती हैं पढ़ने। तेरे आदमी ये बब्बन देवा आते हैं ना मेरे घर पर इन्हें धमकाने, पूछो इन औरतों से, ये आपको सारा सच बता देंगी कि ये मेरे घर पर मुझे धमकाने आया था। बताओ ना औरतों, बता दो। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? तुझसे बर्दाश्त नहीं होता ना कि कोई भी औरत अपने आत्म सम्मान के लिए आवाज उठाए? तुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई औरत तेरी आंखों में आंखें डाल के बेखौफ तुझसे बात करे? इसलिए तो तेरे ये दो टके के गुंडे अपनी औरतों को पीटते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाए। औरत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझेगा ना तो एक दिन उसके अंदर का ज्वालामुखी फट के सब कुछ राख कर देगा। अब तू जमीन आसमान एक कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, गांव वालों के लिए अस्पताल अब तो मैं बना के रहूंगी। गणपति बाप्पा।
मूर्ति मोरिया। किसी को नहीं छोड़ेगा मैं, मेरे गांव में ऐसे असामाजिक तत्व नहीं पनपने देगा मैं। ढूंढ ढूंढ के निकालेगा मैं और बाहर फेंक देगा। अरे मैं तो सिर्फ एक गुंडे की बात कर रहा था, और ये औरत जाने कितने मर्दों को ऐसे प्राइवेट क्लास देती होगी, कितने मर्दों के साथ इसका रिश्ता होगा, ये सोचना कर लेती सब आगे सर उड़ा मारत। कहीं ना कहीं तो आमदार साहब सही हैं। बिना आग के धुआं थोड़े ना उठता है, कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी इनकी बात में। ए भुक्तेनो, निकाल इधर से। वीनस सो गया? हाँ, वो सभी की बात करते करते सो गया था। अरे मोहित, होई करिश्मा कहाँ है? शाम संध्या इवनिंग से वो दिखे नहीं है मुझे। पता नहीं आई, उसने मुझे कुछ बताया नहीं। अरे फोन करके पूछ ना कि कहाँ। भाई मेरे पास यही काम बचा है क्या कि मैं करिश्मा को पूछते रहूँ कि वो कब आ रही। अपनी मर्जी से आएगी और अपनी मर्जी से जाएगी, और अगर भूख लगेगी ना तो खाना खुद गर्म करके खा भी लेगी। मोहित ये क्या चल रहा है तुम दोनों में? हाँ लो करिश्मा आ गई, कहाँ थी तू? अच्छा छोड़, चल बैठ जा, सब लोग खाना खा रहे। अब वो आई, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से खा के आई। अब हाँ दादा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो ना कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शिवानी बुआ, क्या हुआ, क्या छुपा रही हैं? छुपा नहीं रही हूँ, मैं पैर दबा रही हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द है कल से। आपको पैरों में दर्द है? पहले बताना चाहिए था। आई के पास पैरों के दर्द के लिए एक तेल है, वो रात को ही लगा लेते तो अभी तक ठीक भी हो जाता। डालूंगी। कहाँ है बाबा? मैं उठाती हूँ। अगर थाम है क्या कुड़ा ले आना। काकू, आपके हाथों में क्या है? ये वो आजकल मैं समाज सेवा करती हूँ ना, तो वो यात्रा वाले एक एजेंट है, तो उनकी मैंने मदद की थी, तो उन्होंने मुझे ये दिया अपनी ओर से। पूरे नागपुर में सिर्फ आप ही के काम की वाहवाही हो रही है काकू, चारों तरफ सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। सच कहूं तो जब भी ऐसा होता है ना तो मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। ये तो तुम सब बच्चों का प्यार है बेटा, लेकिन अब मैं इसका क्या करूं, ये तू रख। मोहित होगा को कल ही विराट और पत्रलेखा के बाहर जाने का इंतजाम कर देना। ठीक है, डन। कहाँ जाने का इंतजाम करना? तू खुद ही खोल के देख ले। ये तो मालदीव्स की टिकट है। हाँ, 5 रात और 6 दिन की है, इसका मैं क्या करूंगा? तुम दोनों ही तो जाओगे वहां पे, वरना इस घर में किसकी उम्र है वहां जाने की?
पर जगह का उम्र से क्या ताल्लुक? एक काम करते हैं, आई बाबा को दे देते हैं। क्यों, तुझे इस उम्र में छोटा भाई चाहिए क्या वीरू? क्या शिवानी, कितनी बार बोला है जबान चलाने से पहले दिमाग चलाया कर। कहीं भी कुछ भी बोल देती है, एकदम बेशर्म हो गई है। सॉरी सॉरी। विराट, तू और पत्रलेखा वहां जाकर थोड़ा समय एक साथ बिताओ। लेकिन काकू, आप भी हमें क्यों देना चाहती हैं? ओफो, तुम दोनों शादी विवाह मैरिज के बाद कहीं नहीं गए हो, तो इससे अपना हनीमून ही समझ लो। अब समझ आया, किसका आइडिया था ये? अरे किसका, इसका कुछ नहीं है, तुम दोनों को जाना ही होगा। और क्या? लेकिन बाबा, हनीमून पे जाने से क्या दिक्कत है? और नहीं तो क्या, विनू दिन भर सवी सवी कहता रहता है। अरे उसका इशारा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? कैसा इशारा काकू? विनू को एक छोटा भाई या छोटी बहन चाहिए। अब मैं तुम दोनों से इसकी उम्मीद कर सकती हूँ ना? अब करिश्मा और मोहित ने तो ठान ही लिया है कि कभी बच्चा नहीं पैदा करेंगे, तो मुझे तो तुम दोनों से ही उम्मीद रखनी पड़ेगी। तुम दोनों जा रहे हो ना गुड़ू? ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि आप लोगों में से किसी ने भी पत्रलेखा से भी पूछा नहीं होगा, और अगर आपने पूछा था और उसने जवाब हाँ में दिया तो उसे जवाब नहीं देना चाहिए था ऐसा। विराट, मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझसे भी नहीं पूछा? मुझे नहीं बताया तुमने? लेकिन मैंने, सुनो, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इन सब चीजों के लिए बहुत बिजी हूं। आई वो गुंडा आपके बारे में क्या बोल रहा था? सभी, अभी मुझे कुछ बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है मेरे पापा के बारे में, वो क्यों बोल रहे थे? सभी, मैंने कहा ना अभी नहीं। नहीं, पहले मुझे बताओ मेरे पापा कौन है। जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? सबके पापा है, नायक के भी पापा है, पर मुझे पता ही नहीं है मेरे पापा कौन है और कहाँ है। मैंने कहा ना सभी, प्लीज चुप। प्लीज बताओ, प्लीज प्लीज प्लीज। सभी चुप 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 चुप। मैंने कहा ना, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? प्लीज जाओ यहाँ से। अरे क्यों चिल्ला रही हो सही उस पर? क्या गलत पूछ लिया उसने? हाँ, उसने उसके बाबा के बारे में ही पूछा ना। अरे उसे ये जानने का पूरा हक है कि उसके बाबा कौन है और कहाँ है। चलो बेटा यहाँ से, चलो सोते हैं हम लोग, चलो। तुम्हें पता था ना इस प्लान के बारे में? क्योंकि इस घर में तुमसे पूछे बगैर कुछ नहीं होता, and I'm sure आई ने, काकू ने तुमसे पूछकर ये प्लान बनाया होगा और तुमने हाँ बोल दिया, अरे साफ साफ मना कर दी थी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे इस प्लान के बारे में पता था और फिर भी मैंने उन्हें ये सब करने दिया? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? सॉरी पत्रलेखा, मेरा वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था विराट? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझे ये सब मालूम होने के बावजूद भी मैंने ये सब होने दिया? ये देखो, इस बेडरूम में दो लोग रहते हैं और दोनों अलग अलग बेड्स पे सोते हैं, तो फिर मैं हमारे हनीमून के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारा रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तुम्हारा दिल आज भी उसका है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये बात तो मुझे हमेशा से पता थी कि तुम मुझे एक पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे वहम था कि तुम मुझे
अपना दोस्त मानते हो? हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, दो दोस्त एक साथ जिंदगी बिता रहे, लेकिन आज तुमने मुझसे ये सवाल करके मेरा वो वहम भी तोड़ दिया। तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है विराट? और अगर भरोसा ही नहीं है ना, तो दोस्ती की क्या ही उम्मीद करूंगी मैं तुमसे? पत्र लिखा, I'm sorry. मुझे लगा तुम्हें पता था और मैंने, बात ही इतनी अजीब है, कुछ ढंग से सोच नहीं पाया। आई ने, काकू ने, ये सब सोच पे कैसे लिया? ये सब गलत है। मतलब क्या कहा तुमने? अजीब। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? अपनी बीवी के साथ बाहर कहीं छुट्टी मनाने जाना तुम्हें अजीब लग रहा है, गलत लग रहा है? अच्छा तो बताओ क्या गलत है इसमें? देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था विराट, और तुम जो कहना चाहते हो ना, वो एक बार में सोच के क्यों नहीं कह देते? देखो विराट, तुम्हें ये सब बातें कितनी भी गलत क्यों ना लगे, लेकिन घर वाले जो कर रहे हैं ना, वो अपनी जगह सही है। तुम्हें ये सब कितना भी वाहियात क्यों ना लगे, लेकिन इस सब में उन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन सब की नजरों में हम दोनों पति पत्नी हैं। पूरी दुनिया की नजरों में हम दोनों मिस्टर एंड मिसेस जवान हैं। भले हमारे कमरे के अंदर की सच्चाई कुछ और है, और ऊपर से हमारे ऊपर पति पत्नी के रिश्ते का स्टैम्प भी लगा है ना, और अगर अब तुम ये रिश्ता झुठला रहे हो ना, तो तुम उनसे कहो ना, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? जब घर के बड़ों को लगता है कि अब उन्हें उनका परिवार आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो लोग ऐसी ही बातें करते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि हम दोनों उनके वंश को आगे बढ़ाएं, तो वो हमें करीब लाने की कोशिश करेंगे ही। और उनका ये सब करना गलत नहीं है, क्योंकि उन्हें ये सच्चाई नहीं पता है कि हमारी शादी में सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। पता है विराट, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तो मुझे तुम में सिर्फ खालीपन नजर आता है, और ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तकलीफ होती है मुझे कि तुम अपने दिल का हाल किसी से शेयर नहीं करते। मुझे तरस आता है तुम पे। ये तुमने खुद को क्या बना लिया है विराट? एक खोखला आदमी जिसके अंदर बीती यादों के सिवा और कुछ नहीं है। मैं तो खुद को भी बहुत कोसती हूँ कि पत्नी होने के नाते मैं तुम्हारा खालीपन नहीं भर पाई। अरे पत्नी तो छोड़ो, मैं एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम क्या से क्या हो गए हो विराट? ये कौन सा इंसान है? वो विराट कहाँ है जिसे मैं जानती थी? तुम लोगों के साथ होकर भी तन्हा रहते हो, और जब हंसते हो ना, तो ऐसा लगता है कि तुम खुद पे एहसान कर रहे हो। ये तुम्हें क्या हो गया विराट? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी जगह है ना, ये शायद है ही नहीं। लेकिन जब तुम अपने आप को हर्ट करते हो ना, तो तकलीफ मुझे होती है। तुम्हारे साथ साथ हर एक पल मैं भी बरती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती विराट, नहीं देख सकती। विराट, विराट तुम जहां भी गुम हो ना, प्लीज लौट आओ, लौट आओ, उससे पहले बहुत देर हो जाए। For more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.